हेलो हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4 जैम्स. ऑल ऑफ यू बेटा, हाउ आर यू ऑल? फाइन ऑल ऑफ यू? वेल, अच्छे हो ना? मज़े में हो सब लोग? ओके, तबीयत अच्छी है ना बेटा आपकी सोसाइटी में? किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना आपके वहाँ पर? ओके बेटा, बी केयरफुल हाँ, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हाँ, आप तो धीमे धीमे बड़े हो रहे हो ना, तो हम लोग को हमारे योर सेल्फ, आपको खुद भी अपनी केयर रखनी है अच्छे से. मतलब बार बार हाथ धोना है, हैंड वॉश करना है, खाना खाते समय, कहीं बाहर जाके आओ तो भी. ऐसे तो एक्चुअली बाहर निकलना ही नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी मानो कहीं गए मम्मी पापा के साथ के कहीं भी. एंड ऑलवेज वियर मास्क. ओके, मास्क भी हमेशा पहनो. और मतलब ध्यान रखो, आप ऐसे बहुत इंटेलिजेंट हो ना, बहुत समझदार भी हो ना बच्चों. ओके, देन टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रिमेनिंग चैप्टर. ओके, अभी हमारा जो चैप्टर बाकी है ना बेटा, नाउ वी कंटिन्यू. ओके, तो अगेन वेलकम इन विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास. ओके बेटा, चलो तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना. देखो ये पिक्चर दिख रहा है ना, अब ये पिक्चर कुछ ये कौन लग रहा है आप लोगों को पता है? अच्छा, आपने श्री कृष्ण भगवान को देखा है, आई मीन टू से उनका सीरियल, उनका फ़ोटो. तो श्री कृष्ण थे ना, उनका एक फ्रेंड था. यस, उनका नाम क्या था? सुदामा. सुदामा सुना है आप लोगों ने? ये सुदामा नाम था ना. तो देखो ये सुदामा लग रहा है ना, और ये डॉग है. हाँ, ऐसे कुछ लग रहा है. और ये कौन है? ये कोई गर्ल है ना. ये सुदामा लग रहा है. नहीं बेटा, तो ये और ये कोई अलग अलग है. हाँ, इसका नाम सुबोध है. क्या नाम है? सुबोध. और इसका नाम है मंजरी. सुबोध और मंजरी. तो सुबोध इधर जा रहा है, और ये एक ये बॉर्ड लगा है ना, डिस्टेंस बॉर्ड लगा है. डिस्टेंस यानी मतलब हाँ, वो दिख रहा है ना कि इधर ये रास्ता कौन सी साइड जा रहा है, ये रोड कहाँ जा रहा है. देन सी, यहाँ पे लिखा है ना कि ये एरो बता रहा है कि ये गांधीनगर, यानी इधर गांधीनगर जाना है. कितना है यहाँ से कितना है? 21 किलोमीटर. और ये एरो बता रहा है, आई मीन टू से राइट साइड में, इधर राइट साइड में 43 किलोमीटर फार है क्या? हिम्मत नगर. तो यहाँ से 43 किलोमीटर फार है हिम्मत नगर, और लेफ्ट साइड में यहाँ से इधर से, हाँ बेटा इधर की साइड से, यहाँ से बता रहा है. ये बोर्ड यहाँ पे लगा है ना, तो इस साइड लेफ्ट साइड जाएंगे गांधीनगर, राइट साइड जाएंगे 43 हिम्मत नगर. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. देखो, इसका नाम सुबोध है, इसका नाम मंजरी है. सी, क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं. ओके, देखो, फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मत नगर, फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मत नगर, सुबोध इज़ गोइंग टू गांधीनगर विच इज़ 21 किलोमीटर्स. कितना है? 21 किलोमीटर्स अवे. मंजरी इज़ गोइंग टू हिम्मत नगर विच इज़ 43 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डिरेक्शन. हाँ, वन अपोजिट. ये गांधीनगर है, इधर हिम्मत नगर है, फिर से इधर गांधीनगर और इधर हिम्मत नगर है. सो वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मत नगर? चलो कौन बताएगा? गांधीनगर मान लो ये गांधीनगर है और ये हिम्मत नगर है. जस्ट गेस करते हैं, ठीक है? लेट्स अज्यूम कि ये गांधीनगर है. तो देखो ये एरो बता रहा है, इस साइड गांधीनगर है, ये गांधीनगर और ये हिम्मत नगर. तो हमको पता है कि इस साइड जाना है यहाँ से, तो 21 किलोमीटर है, राइट? और इस साइड जाएंगे तो 43 किलोमीटर से. तो ये गांधीनगर से हिम्मत नगर, H फॉर हिम्मत नगर, G फॉर गांधीनगर. सो क्वेश्चन इज, हाउ फार इज गांधीनगर? ये गांधीनगर कितना दूर है फ्रॉम हिम्मत नगर? तो ये रहा हिम्मत नगर. तो हिम्मत नगर से गांधीनगर कितना है, कौन बताएगा? यस, एनीबडी हैव आंसर? चलो सिंपल क्वेश्चन बेटा. देखो ये हिम्मत नगर है, तो यहाँ से पहले यहाँ तक आओ तो कितना है? ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई ना हमारे लिए. यहाँ से इतना 43 किलोमीटर से, और यहाँ से इतना कितना है? 21 किलोमीटर है. यानी यहाँ से ये बॉर्डर नहीं, यहाँ से इतना 21 किलोमीटर, यहाँ से इतना 43 किलोमीटर. और हमारा क्वेश्चन है कि हिम्मत नगर से गांधीनगर, हिम्मत नगर टू गांधीनगर कितना है? तो सिंपल है, पहले यहाँ से यहाँ तक जाओ तो भी 43 होगा ना. यहाँ से यहाँ पे 43 है, तो यहाँ से यहाँ पे आओगे तो भी 43, और यहाँ से कितना है? 21. तो 43 और 21 को ऐड करो तो पता चल जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 43 किलोमीटर्स प्लस 21 किलोमीटर
कितना होगा बोलो, कौन बताएगा? चलो डायरेक्ट एडिशन करते हैं ना, पता है ना हमको कैसे डायरेक्ट एडिशन करते हैं? ये वन का प्लेस, ये वन का प्लेस, तो दोनों का एडिशन होगा, थ्री एंड वन फोर, फोर एंड टू सिक्स, देन 64 किलोमीटर्स। अवर आंसर इज 64 किलोमीटर्स। ओके, बट आप लोग को जब नोटबुक में लिखना है ना तो कैसे लिखना है पता है? 43 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर इज इक्वल टू 64 किलोमीटर फार, फिर इसके पीछे एक लाइन ऐड करनी है 64 किलोमीटर, सुन लो बराबर। ओके बेटा, यहाँ पे ध्यान दो एंड लिसन भी प्रॉपर। 64 आंसर कैसे लिखना है? लास्ट लाइन में इतना खाली नहीं लिखना है। ओके, 64 किलोमीटर्स फार इज गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर। ओके चलो, अब आगे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। सी, टेक्स्ट बुक में ध्यान दो सब लोग। हाउ फार इज योर, आई मीन टू से टेक्स्ट बुक यानी यहाँ पे वीडियो में ध्यान दो बराबर। आप लोग टेक्स्ट बुक लेके अंदर देखोगे तो नहीं पता चलेगा ना, तो यहाँ पे वीडियो में अच्छे से बेटा कॉन्सेंट्रेट करो। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर स्कूल से कितना दूर है? अब ये तो आप लोग को खुद पता लगाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता है, हर एक स्टूडेंट्स का डिस्टेंस अलग अलग होगा ना, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। देखो ये एक किसी का घर दिया है और एक स्कूल है, तो ये घर से निकलने के बाद ये कुछ आता है, फिर ये आता है, फिर रोड आता है, फिर स्कूल आती है, किसके बारे में दिया है हम लोग देखते हैं। महेश, ओके ये महेश, ये रहा महेश, क्या लिखा है? महेश कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, महेश स्कूल जाता है ना मतलब बहुत दूर से आता है, महेश बहुत दूर से स्कूल आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स, बराबर ध्यान देना, ही वॉक्स अबाउट 400, यानी ये इसका घर है, तो यहाँ से चलते 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 सबसे पहले कितना चलता है वो वॉक्स करता है, कितना चलता है? 400 मीटर्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 400 मीटर, खाली मीटर्स का एम लिख रहा हूँ, पता चल रहा है ना आपको? टू द पॉन्ड, ये रहा पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, तो यहाँ से तालाब तक चलने के लिए ये जो रास्ता है ना, ये कितना है बेटा? 400 मीटर्स है, कितना है? 400 मीटर। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स, ओके ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड, तो ये पॉन्ड है ना, ये तालाब के अंदर से निकलता है, इसमें अब यहाँ से देखो कोई रास्ता है ही नहीं, तो ये तालाब के अंदर वो स्लीपर हाथ में पकड़ लेता है बराबर, हाथ में पकड़ के और फिर पानी के अंदर होके चलता, तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस 400 मीटर हो गया यानी 400 मीटर्स, फिर ये तालाब के अंदर जाता है 150 मीटर्स, तो यहाँ पे लिखो 150 मीटर्स, ये 400 मीटर थ्रू द पॉन्ड, ये पॉन्ड के अंदर से जाता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, देखो ये रहा वाइड, वाइड वाइट नहीं बेटा, वाइड है, वाइड यानी बहुत चौड़ा, ग्रीन फील्ड है ना यानी हरा भरा मस्त खेतर है ना, जमीन है ना, जगह दिख रही है ना, तो ये जगह यहाँ से भी वो चल के जाता है, देखो लिखा है ना रन्स, दौड़ना मतलब, ठीक है यानी चल रहा है वो, मतलब दौड़ना चलना, लेकिन ये भी कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितना हो रहा है 350 मीटर्स, ये भी इतना हो रहा है वाइड ग्रीन फील्ड। देन ही केयरफुली क्रॉसिस, ये क्रॉसिस द 40 मीटर्स वाइड रोड, अब ये रोड आया देखो ये कितना है 40 मीटर्स, अब उसको क्रॉस करा है, घर से निकला तो ये पॉन्ड की तरफ चला तो 400 मीटर्स हुआ, फिर पॉन्ड के अंदर से निकला यानी तालाब के अंदर से तो वो 150 है मीटर, इतना डिस्टेंस, फिर बाहर निकल गया तालाब में से, पानी में से बाहर निकल गया, अब यहाँ से यहाँ तक पूरी ग्रीनरी है, ग्रीन फील्ड है, वो कितना चलता है वो 350, चलो यहाँ पे पहुँच गया रोड पर, अब ये रोड क्रॉस कर रहा है, तो ये रोड का जो डिस्टेंस है ना, यस वो कितना बताया बेटा, डिस्टेंस मीन्स की लेंथ कितनी है 40 मीटर्स, तो ये हो गया 40 मीटर्स, समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, चलो अब दिख रहा है सबको। नाउ वाइड रोड टू रीच ही स्कूल, अब वो स्कूल पे पहुँच गया है, अब ये स्कूल का उसका ग्राउंड आ गया है, तो रोड पर ही स्कूल, तो बेटा हमको पूछा गया हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो हम लोग सबका एडिशन करेंगे। ओके पहले 400 मीटर प्लस क्या हुआ ये रहा, चलो यहाँ पे देखो फिर 150 मीटर्स प्लस 350 मीटर्स प्लस 40 मीटर्स प्लस 40 मीटर, सबका क्या करना है बेटा एडिशन, देखो आप लोग को नोटबुक में कैसे लिख रहे हैं पता है, पहले इक्वेशन लिखना है, क्लास वर्क की नोटबुक है उसमें इक्वेशन लिखना है और फिर द आंसर। ओके ये आंसर है, एक्चुअली आंसर को मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन ये बीच में आ रहा है ना, ये
हाँ पेज नंबर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ये सब का एडिशन करो। चलो कैसे एडिशन करेंगे, पहले 111 का प्ले। अब देखो मैं एडिशन ऐसे सिखाने वाला हूँ, हम लोग ऐसे एडिशन तो कर सकते हैं। देखो 400, हाँ आप रफ में भी कर सकते हो, फिर 350, तो यहाँ पे रफली मैं लिख रहा हूँ 350, देन 40। ये लिखते समय ध्यान रखना है, वन के प्लेस के नीचे वन का प्लेस आना चाहिए, टेन का प्लेस है वो टेन के प्लेस के नीचे आना चाहिए। फिर फोर यहाँ पे लिख दोगे, जीरो यहाँ पे लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके समझ में आ रहा है। चलो ये 400 है, चलो करो, ज़ीरो का ज़ीरो होगा, फाइव एंड फाइव टेन, टेन और फोर फोर्टीन, फोर्टीन का फोर कैरी वन आएगी ना, वन वन फाइव सॉरी वन एंड फोर फाइव, फाइव एंड वन सिक्स, सिक्स एंड थ्री नाइन, टोटल कितना हो गया 940 मीटर्स। देखो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं ना, ज़ीरो है ज़ीरो है ज़ीरो एंड ज़ीरो, ओके ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो है, देन फाइव, फाइव एंड फाइव टेन, टेन एंड फोर फोर्टीन, फोर्टीन का फोर आ गया, देन कैरी वन, वन एंड फोर फाइव, फाइव एंड वन सिक्स, सिक्स एंड थ्री नाइन, हो गया नाइन, कितना हुआ। तो यहाँ पे लिख दो 940 मीटर्स। क्या लिखा है, इज़ इट मोर देन वन किलोमीटर, क्या ये जो है डिस्टेंस वो वन किलोमीटर से ज़्यादा है। अब हमको पता है वन किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वन किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, मैंने सिखाया है ना, वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, याद है ना कि नहीं, सिखाया है, भूल गए क्या, क्या लिखा है मैंने, वन किलोमीटर से 1000, ये तो कितना 940, नो नो, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर नो इट इज नॉट मोर देन, इट इज नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है सबको। तो पहले ये क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन, फिर ये आंसर है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन टू का आंसर, ये क्वेश्चन वन, ये इसका आंसर है। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। चलो ये अब अपने फ्रेंड्स की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है और उसका क्वेश्चन देना है रिगार्डिंग ये टेबल के थ्रू। ओके चलो देखते हैं हम लोग। ओके नाउ सी माय स्टूडेंट्स, देखो बेटा ये मैंने फ्रेंड्स के नाम कुछ लिख दिए, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, तो ये डिटेल्स मैंने फिल कर दिए, आप लोग भी टेबल में इसके अंदर देखते करना। ओके फर्स्ट क्रैनी लिखा है, देन विजय, देन रोशनी, देन जील, अंशु एंड श्रेया। क्रैनिल का डिस्टेंस कितना है, वो स्कूल से कितना दूर रहता है, तो 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स। विजय का 2 किलोमीटर्स, रोशनी 400 मीटर्स, जील 5 किलोमीटर्स एंड 600 मीटर्स, अंशु का घर कितना है स्कूल से मतलब 1 किलोमीटर, एंड श्रेया 250 मीटर्स। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हु अमॉन्ग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, तो सबसे नज़दीक में स्कूल कौन रहता है। यस See this table and give the answer. Okay? Who among you lives nearest to the school? School के सबसे नियर में कौन रहता है, देखो यहाँ पे सबसे कौन, हाँ श्रेया, देखो इसका 250 meters है ना only. Then our answer is श्रेया. Okay? श्रेया, श्रेया है ना। Now second question, who lives farthest from the table? यानी सबसे दूर कौन रहता है, okay? हाँ school, यस स्कूल से सबसे दूर कौन रहता है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यस जिल है ना, यस जिल, देन राइट हियर आंसर जिल। नाउ हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, इसमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1 किलोमीटर, यस लेस देन 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर से भी कम हो, तो दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वन ये देखो 400 मीटर है और ये श्रेया 250 मीटर्स है, तो यहाँ पे रोशनी एंड श्रेया ये दोनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना कि जो 1 किलोमीटर से भी लेस है यानी बहुत 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे हम लोग, टू चिल्ड्रन। ओके उसका नाम भी लिखना है, ओके चलो नाम नेम्स लिख देते हैं, नेम्स नेम्स कौन कौन सा है, अरे सॉरी कौन कौन है, एक रोशनी, रोशनी एंड श्रेया,
Got it, all of you? Okay. Now another question. Is there anyone who lives more than 5 kilometers away from the school? Yes. देखो यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहता हो? कौन है? यस बताओ मुझे. 5 किलोमीटर्स. यस मोर देन 5 किलोमीटर्स. देर इज़ ओनली वन स्टूडेंट्स हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर्स. कौन है? ओनली जील. तो वो कितना रहता है? 5 किलोमीटर 600 मीटर्स. ओके फ्रॉम द स्कूल. हाउ डू दे कम टू स्कूल? तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं कि इज देर एनी वन हु लिव्स. यस यस Jill, Jill lives more than 5 kilometers away from the school. Okay, समझ में आ रहा है बेटा आंसर? कैसे लिखा मैंने? How do they come to school? वो स्कूल कैसे आते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर. दे नहीं बेटा, सॉरी, यहाँ पे ओनली वन स्टूडेंट है ना जो 5 किलोमीटर, तो ओनली जी ले, तो हम लोग दे नहीं लगाएंगे, ही लिखेंगे. ही कम टू स्कूल, ही कम टू स्कूल बाय बस. हम लोग बाय बस लिख देते, ठीक है? वो बस से आता है, ऐसा हम लोग मान लेते. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? फ्रॉम दिस टेबल. ओके, ये टेबल से इस क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे. ओके, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करना. आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक, अरे नोटबुक में क्या लिखना है, पहले ये टेबल ड्रॉ करना है, उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है, फिर एक क्वेश्चन लिखना है, उसके अंदर ये आंसर लिखना है. ओके, चलो नीचे कुछ और क्वेश्चन दिया है ना, तो देखो हम लोग देखते हैं. गेस एंड फाइंड आउट. ओके, तो पहले गेस करना है, फिर फाइंड आउट करना है. नाउ सी बेटा, गैस एंड फाइंड आउट. ओके चलो, तो इसको हम लोग को जस्ट गैस करना है. नाउ हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील? अच्छा, आपने देखा है थ्रेड? थ्रेड यानी धागा होता है ना, रील. हाँ, जो जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं ना बेटा, वो रील की बात है. तो कितना होता है? तो मेरे ख्याल से ये किसके ऊपर डिपेंड्स बताए? देखो आपको पता है ना, मम्मी देखो अपने घर पर सॉइंग, हाँ मानो आपके घर पर सॉइंग मशीन है, तो उससे मम्मी से पूछना कि मम्मी ये जो मशीन होता है ना, सिलाई मशीन, ये सॉइंग मशीन जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर जो रील आती है ना बेटा, वो डिपेंड्स करता है वो छोटी है बड़ी है उसके हिसाब से. तो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है. तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? डिपेंड्स ऑन रील. रील होती है ना, छोटी बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? डिपेंड्स ऑन रील. इट मे बी 100 मीटर की भी हो सकती है, 200 मीटर, ये 2 लिखा है बेटा, 200 मीटर एंड 500 मीटर, इससे भी ज़्यादा होता है. इट मे बी 100 मीटर, 200 मीटर एंड 500 मीटर. ओके, छोटी हो एकदम. हाँ, 50 मीटर्स की भी होती हो सकती है बेटा, 50 मीटर्स, छोटी रील हो ना 50 मीटर्स, तो डिपेंड्स ऑन रील. ओके, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? अच्छा, काइट यानी पतंग जो होती है ना, पतंग चगाने के लिए हम लोग जो नहीं लाते, मतलब रील होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग पापा से पूछना कि वो जो, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इन गुजराती, अमे तो टेलर लाया से, टेलर 1000 बार नो टेलर लाया, तो पछी बीजा छोकरा शू कहे कि मारा पप्पा तो 5000 बार लाया छे. हाँ बोलते हैं ना, 5000 बार का टेलर लाए मेरे पप्पा, तो टेलर लाए, हाँ ऐसा बोलते हैं ना. तो टेलर जो बोलते हैं ना, एक्चुअली टेलर कोई क्या बोलते हैं, उसका एक्चुअल नेम क्या है बेटा? रील है. क्या नाम है उसका? रील. तो क्या लिखा है? हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसका आंसर. हाँ देखो, ये फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ. द Length of kite reel is around 500 meter or 1000 meter. Second question है, can it be more than a kilometer long? क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है? Yes, obviously. मानो आप 5000 बार दोरी लाए हो, ठीक है, दोरी बोलते हैं ना उसको, हाँ दोरी 5000 बार, 10000 बार, तो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होती है बेटा लॉन्ग. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है? यस यस, इट कैन बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन,
If a handkerchief is made out of a single thread, how long would that thread be? हाँ, handkerchief यानी hanky होता है ना, हमारा रुमाल जो होता है hanky, वो single thread में मानो बना है, ठीक है, बना हो, तो वो कितना, मतलब क्या लिखा है, how long, तो कितना मतलब लंबा हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, yes. So बेटा इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अराउंड 100 मीटर लॉन्ग. देखो इसका फुल आंसर नहीं लिखना है, ऐसे शॉर्ट लिखना है हम लोग, खाली गैस करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है. ये दो दो लाइन इतनी लंबे लंबा चौड़ा हम लोग का आंसर, इतना पूरा लंबा आंसर नहीं लिखना है, ओके. इफ अ हैंडकरचीफ मेड आउट अ सिंगल थ्रेड, यानी हैंडकरचीफ सिंगल थ्रेड में बनेगा, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेडेड बी, तो कितना होगा वो, कितना लंबा मतलब कितना बन सकता है, कितना हो सकता उसके अंदर धागा कितना लंबा यूज हुआ होगा, तो अराउंड 100 मीटर लॉन्ग. ओके, समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नाउ सी बेटा, देखो एरोप्लेन कितना मस्त उड़ रहा है ना, यस, ये पूरा एकदम स्काई कितना अच्छा ब्लू स्काई लग रहा है एकदम, वाओ. और माउंटेन भी बहुत मस्त दिख रही है, काइट उड़ रही है, ये बर्ड फ्लाई कर रहा है, ये ट्रीज दिख रहे हैं, यस, ये टू फ्लोर्स हाउस है, किसका घर होगा ये, एंटेन है. देखो बेटा अभी तो डिस आ गई है ना, पता है डिस राउंड ऐसे राउंड शेप में होते हैं, डिस एयरटेल का डिस, टाटा स्काई, लेकिन पहले ना ऐसा एंटेना होता था और इसके अंदर वायर से इसके हमारे घर में टीवी चलता था. आप लोग मम्मी पापा को पूछना, उनको ज़्यादा पता होगा. अभी भी हाल में गांव में सब जगह है ना, कोई कोई जगह जहाँ डिश नहीं होती है ना, तो वहाँ पे ऐसा एंटेना चलता है. तो ये जो नेचुरल पिक्चर दिया ना, कितना सुपर्ब दिया है, कितना एकदम बहुत मस्त दिया है, दिख रहा है सबको, यस, ऑल ऑफ यू. देखो ये काइट, हाँ ये काइट फ्लाई कर रहा है ना ये बच्चा, हाँ देखो ये यहाँ से इसने ये फिरकी पकड़ी है ना, यस, और ये रही इसकी पतंग, ये एंटेना देखो घर के ऊपर है, यहाँ पे बर्ड देख रहा है, और कितना सुपर एकदम नेचर लग रहा है ना. ये रंगोली बनाई है, देखो उसने ये रंगोली है ना, वो अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना हमने रंगोली, थर्ड स्टैंडर्ड में आता था ना, थर्ड में वो डॉट ग्रिड्स के हेल्प से रंगोली बनाना था, याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में. हाँ ओके बेटा, तो अब इसके अंदर एक पोएम दिए, क्या लिखा है यहाँ पे, आई विश आई वेयर, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं होता, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मैं होता, मतलब काश मैं ऐसा होता, कैसा होता, तो यहाँ पे लिखा है आई विश आई वेयर अ काइट, मैं ऐसा चाहता कि मैं एक पतंग होता, यस, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं आकाश में ऊपर उड़ सकता, अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, ये जो बिल्डिंग है ना उससे भी ऊपर, क्या लिखा है, काश मैं ऐसा इच्छता, मतलब काश मैं पतंग होता तो मैं आकाश में उड़ सकता, राइट, कितना ऊपर, तो ये जो बिल्डिंग्स होती है ना बहुत सारी बिल्डिंग से भी ऊपर, हाइट ऊपर ऊंचा. आई विश आई वेर अ बर्ड, मेरी इच्छा होती कि मैं एक बर्ड होता, यस, पक्षी बोलते हैं ना, यस, पंछी होता, सो दैट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ सकता, आई कुड फ्लाई, ठीक है, तो उड़ी मतलब गुजराती में बोलते हैं ना, जेती हूँ उड़ी सकूँ, यानी कि मैं उड़ सकता, राइट, एंड रीच अबाउट दैट काइट, और वो जो काइट है ना, यस, उससे भी ऊपर मैं उड़ता, राइट, उससे ऊपर मैं पहुंच सकता, मतलब ये काइट, मैं बर्ड होता तो उससे भी, और ऑब्वियसली आपको पता है ना जो बर्ड्स होते हैं ना वो काइट के ऊपर भी उड़ सकते हैं ना. नाउ अगेन थर्ड लाइन, आई विश आई वेयर अ क्लाउड, काश कि मैं एक बादल हूँ, क्या हूँ मैं, एक बादल, सो दैट आई कुड मूव, तो मैं इधर उधर मूव कर सकता, घूम सकता, अबव दोज लिटिल बर्ड्स, ये जो छोटे छोटे पंछी है ना, छोटे छोटे बर्ड्स, उनके ऊपर ये पंछी ना, उनके ऊपर ये मैं क्लाउड होता, ये बोल रहा है ना, मैं क्लाउड होता तो मैं इधर उधर घूम सकता, ठीक है, मैं काइट होता तो मैं घूम सकता, जो बड़ी सी बिल्डिंग, क्योंकि आपको पता है ना बिल्डिंग के ऊपर तक जाती है ना पतंग, तो यस, पता है ना आपको, ओके. लास्ट के लिखा है आई विश आई वेयर अ प्लेन, मैं ऐसा इच्छता, मैं ऐसा चाहता कि मैं एक प्लेन हूँ, ओके. सबसे पहले क्या बोलता है, काश मैं एक पतंग हूँ और मैं आकाश में उड़ सकूँ, ठीक है, और कितना ऊपर, मतलब तो कि बिल्डिंग के ऊपर, काश मैं एक पंछी हूँ यानी कि बर्ड हूँ तो मैं भी उड़ सकता, किसके ऊपर मतलब उड़ता है, तो कि पतंग से भी ऊपर, यानी जो पतंग होता है ना उससे भी ऊपर पहुँच सकता, अबव दैट काइट, ये काइट से भी ऊपर. आई विश आई वेयर ए क्लाउड, काश मैं बादल हूँ तो मैं इधर उधर, सो आई दैट कुड मूव, यानी मैं इधर उधर इधर इधर, बादल तो आपको पता है ना, बादल अभी देखते हो ना, अभी मानसून सीजन चल रही है तो बादल कैसे हमको दिखते हैं, इधर से उधर होते जाते थे, मूव करते ना, राइट,
अबाउट दोज बर्ड्स, आई विश आई वेर अ प्लेन, तो मतलब कि मैं प्लेन एरोप्लेन होता तो मैं ऊपर उड़ सकता ना, ऊपर एकदम ऊपर जाता। अबाउट द क्लाउड्स एंड द हिल्स, ये बादल से भी ऊपर और ये जो हिल्स है ना उससे भी ऊपर। ओके चलो, अभी कुछ क्वेश्चन दिया ना बेटा, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सी देखो, अभी आगे हमने गैस किया था ना, तो ऐसे ही देखो, ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आपने कोई मतलब बड़ा सा ऊंचा बिल्डिंग देखा है? यस, कोई देखा है? सी मैंने तो है ना बेटा, मैं अपनी बात बताऊँ, बॉम्बे में आपने देखा ताज होटल है? यस, वो जो क्या बोलते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया है ना बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया, आई होप आप लोग गए होंगे। यस, तो आई यस, तो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने ही ऑपोजिट है ताज होटल, मैंने देखी है। एक कुतुब मीनार भी है ना, तो ताज होटल के लेकिन रूम्स कितने वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुतुब मीनार का पता है। तो इसका आंसर आप लोग को खुद लिखना है। देखो, विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, तो यहाँ पे आप लोग लिखना आई हैव सीन कुतुब मीनार बिल्डिंग। ओके ठीक है, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, तो यहाँ पे लिखना कि इट इज़ 26 rooms, हाँ 24-26 rooms है उसके अंदर। फिर लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ हाई कैन अ काइट गो, अच्छा काइट कितनी दूर जा सकती है, तो बेटा बहुत दूर, बहुत दूर यानी अराउंड 10,000 meters। ओके यहाँ पे क्या लिखा है, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, यस, अरे सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई, 10,000 meters नहीं होता बेटा, सॉरी माई मिस्टेक, कैन इट गो हायर देन कुतुब मीनार, हाँ। तो देखो इसका आंसर आप लोग कुतुब मीनार ही लिखना, ओके, या तो फिर मैं इसका आंसर लिख के आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलो पहले ये क्वेश्चन समझ लो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, क्या वो काइट होती कुतुब, तो कुतुब मीनार तो हमको पता है ना कितना होता है बेटा, 72 meters होता है ओनली, 72 meters हाई है ना, और काइट तो उससे भी ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट कैन गो हायर देन कुतुब मीनार। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, तो बेटा ये जो प्लेन होता है एरोप्लेन वो बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत यानी बहुत, बताओ मैं आपको कितना, अराउंड 10 kilometers, अराउंड अबाउट 10 kilometers, 10 kilometers यानी बहुत हो गया बेटा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अबाउ 10,000 meters, 10,000 meters को किलोमीटर में कितना बोलेंगे, ओनली 10 kilometers, राइट। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 kilometers, तो यस यस इट कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, ओके 9 kilometers, मैंने तो क्या बोला 10 kilometers बोला, और माउंट एवरेस्ट की तो हाइट कितनी है बेटा, ओनली 9 kilometers है, तो उससे ऊपर उड़ सकता है कौन, एरोप्लेन, राइट। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने क्लाउड्स देखा है, यस yes, आपके नीचे यानी आप ऊपर हो, ठीक है आपके, हाँ बिलो यू, आपके नीचे आपने क्लाउड्स देखा है, तो है बेटा ऐसा हो सकता है। आप लोग माउंट एवरेस्ट जाओ ना, माउंट एवरेस्ट से फिर हमारे गुजरात से सीधे जाओ ना, अंबाजी बोलते हैं ना, हाँ अंबाजी से आगे माउंट आबू है, सुना है आपने माउंट आबू, वो राजस्थान में पड़ता है लेकिन नियर टू गुजरात बॉर्डर, ओके गुजरात स्टेट है ना हमारा, उसके बॉर्डर पे पड़ता है माउंट एवरेस्ट, अरे सॉरी माउंट आबू, तो माउंट आबू के ऊपर आप लोग चले जाओ एकदम ऊपर, या फिर हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में गिरनार है, गिरनार नाम सुना है आपने, गिरनार माउंटेन, उसके ऊपर भी जाओ ना, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना क्लाउड्स, वो हमारे हेड पे टच होते हैं, हमको छू के निकल जाते हैं, हाँ हमको छू के निकल जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट पे तो जाओ ना, तो आप लोग ऊपर हो और बादल आपके नीचे से चले जाएंगे, तो इसका आंसर यस, तो हाँ हमने देखा बेटा, ठीक है, तो जो कहाँ कहाँ होता है मैंने बताया उस तरह से, ओके। तो चलो ये हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया ना, तो आप लोग होमवर्क में क्या करोगे पता है, सी होमवर्क में आपको करना है, देखो ये क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका ये आंसर लिखना है, ओके अगेन ये क्वेश्चन लिखना है, अभी मैंने बताया ना, तो ये क्वेश्चन भी लिखना है और ये इसका आंसर करना है, ये अभी मैंने समझा दिया था अभी आपको, और स्पेशली ये तो बहुत ही स्पेशली है, यस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, ये टेबल ड्रॉ करना है, एक मिनट है बेटा, ये टेबल जो है ना, टेबल को ड्रॉ करना है, और ये सारे जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर आप लोग को लिखने हैं, इसकी जगह ना आप लोग और भी नाम लिख सकते हो, ये डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। और ये वाला भी क्वेश्चन करना है, यानी ये जितना आज मैंने चला है ना वो सब कुछ, देखो फिर ये वाला, ओके
तो चलो बेटा मिलते हैं हम लोग, एक मिनट ना बेटा। ओके जस्ट अ मिनट, ओके ओके ओके। हाँ देखो बेटा ये वाला एक ये भी करना है, वर्कबुक में पेज नंबर सेवन के अंदर ये दिखा ना, क्वेश्चन नंबर सेवन, एट द फॉलोइंग एज गिवन इन द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है देखो ये रहा ये, तो ये ए बी ये मैंने दिखा है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना है बिल्कुल, ये एग्जाम्पल दिया है देखो ये कैसे किया है उसके थ्रू करना है, फिर तो मैं देने ही वाला हूँ, अरे मैं करवाने वाला हूँ सॉरी, सी डी ई एफ फिर ये रहा, कन्वर्ट करना है इसको ठीक है इस तरह से, ये क्वेश्चन एट नहीं करोगे तो चलेगा, तो अभी जो टेक्स्ट बुक बताया वो और वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा, ए बी एंड सी डी ई एंड एफ, ये इतने क्वेश्चन बराबर, टोटल सिक्स क्वेश्चन, ये भी आप लोग होमवर्क में करना है, एडिशन है इसका, तो ये आपको समझना है और करना है। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा टाटा बाय बाय टेक केयर।